हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, दोपहर को पतिदेव खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद मैं तो अपना देख रही थी इस रूम में, ये लाइट जला रहा है, मेरे से बैठे हो गाने सुन रहे और मुझे उधर, मैं तो अपना आराम से खाना खा कर आना थोड़ी देर लेट गई और यहाँ के गाने सुनने लगे हैं इधर, और मुझे फोन कर रहे हैं कि कहाँ हो, मैंने कहाँ हूँ, रूम में ही लेटी हुई हूँ और पुराने सॉन्ग सुनने लगे। इधर आओ, सॉन्ग सुनेंगे हम ड्राइंग रूम में बैठ के। ड्राइंग रूम में एक्चुअली आज पापा गए हुए हैं दिल्ली, उनका ना अपना दवाई वगैरह लेने गए हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, तो इसलिए आराम से गाने चला रखे हैं या गाने सुन रहे हैं। नहीं तो पापा अपना ये इस टाइम थोड़ा दोपहर को रेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए दोपहर को नियम टीवी देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये गाने सुन रहे हैं। इंसान की जरूरत है तो ये लगा कि ये सुनाने के लिए मुझे बुलाया है रूम में से। कितनी खूबसूरत है। तो और कौन कौन से सुनाओगे गाने? चार गाने सुनने मुझे। कौन कौन से सुनोगे? चार मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गाने सुनेंगे। कौन कौन से बताओ, अपने फेवरेट गाने सुनाओ। सुन लिया, अरे वो तो मैंने झूठ बोला था, याद करो। अरे ये हो गया, दो हो गए। एक तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता। वो अपनी देख लो रील इतनी बना रखी है तुमने। और चौथा बताओ, था बताओ कौन सा चौथा? अभी एक वो है, वो वाला आखिरी रास्ता का। कौन सा है? गोरी का साजन, साजन की गोरी होगी शुरू अब। मुझे तो बोला सुनना, सुनो वाला गोविंदा का नहीं है, कौन सा गाना है वो गोविंदा का, जब जा रहा होता है ममता कुलकर्णी को ले जाती है, कौन सा है वो? आएगी हर पल। हाँ भाई, इतना मस्त सॉन्ग है वो, इतना मस्त सॉन्ग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग। वो वाला सुनना है आज, वो सारे सॉन्ग सुनते हैं दोस्तों। फिर हम लोग बैठ गया, अब इन्होंने बुला ही लिया है तो सुनी रहे। वैसे मेरी तबियत थोड़ी सी ऐसे ढीली सी हो रही थी, आराम से रेस्ट कर रही थी। मम्मी मम्मी आ जाओ, आप भी मम्मी आ जाओ, आप भी सुन लो, सॉन्ग सुना रहे टीम। मम्मी की तबीयत अभी सही नहीं हुई है, मम्मी की तबीयत भी ऐसी हो रही है थोड़ी, पैर में अभी स्वेलिंग सही नहीं हुई है, अभी थोड़े ऐसे ही है, चल रहा है, हो जाएगी सही। वैसे तो चल रही है दवाई, तो चल रही है मम्मी की, तो बस चलो सुना लो फिर, लगाओ गाने अपने। लाइट वाइट पूरी बंद कर दी है रूम की, क्या इस तरीके से थिएटर बना के देखेंगे हैं? और क्या, ऐसे पूरी फीलिंग के साथ देखा जा रहा है पूरे सॉन्ग कि हम उसमें बैठे हैं थिएटर में। तो दोस्तों आ गए देख के गाने, कम से कम 5-6 गाने सुने होंगे हमने सारे अपने। हमने बनाई तो काफी सारी रील हैं, लेकिन काफी दिनों के बाद मतलब बैठ के अपना दोनों ने मतलब सॉन्ग सुने। ऐसे तो सुनते ही रहते हैं लेकिन जो टीवी में देखने, मतलब मैं तो बहुत कम देखती हूँ टीवी, ये भी कम देखते हैं, बच्चे हैं, बच्चे जैसे ज़्यादा तारक मेहता ही चलता है हमारे यहाँ, तो तारक मेहता ही देखते रहते हैं। पापा थे नहीं तो सोचा कि बड़ी वाली टीवी में देखें। हमारी रूम की जो टीवी है थोड़ी छोटी वाली है, दिखाती हूँ आपको, ये वाली है टीवी, रूम वाली थोड़ी बड़ी है तो उसमें देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है देखने का। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। एग्जाम हो रहा था हाँ, इस जगह पे ना बहुत ज्यादा भीड़ भी रहती है। आप आए हो, आप सब्जी सब्जी क्या क्या लाए? मैम के फोन से करवा देता ना, अब पीछे कैसे जाता फिर? पीछे भी नहीं जा सकता। जाम में फंस गया ना, पीछे नहीं जा सकता था, समझ गई मैं, जाना कुछ नहीं बस। लेकिन फोन कर, हाँ वैसे नहीं, इसको क्या पता मैम के वहां से निकला था कि जाम है। आपको मिला जाम? आप कह रहे क्या है सब्जी निकल गया, वो क्या क्या सब्जी लाए हो? इसमें क्या आर भी है, इसमें सब्जी तो नहीं दिखी हो, बस कच्चे केले, कच्चे केले की सब्जी बनाएंगे, पनीर खीरा, ये प्रसाद। देखो हमारे यहाँ राखी आना शुरू हो गई दोस्तों, आज आई है राखी, पतिदेव की बुआ लगती हैं जो, वो लेके आई है राखी और घेवर। ये पहले का घेवर रखा हुआ है, देखो खानी है इनके, वो रखे हैं इसको जरूर, हाँ यहाँ रख पाते हैं टेबल पे। देखो कितनी भरी हुई टेबल दिख रही है हमारी, इनकी फाइल वाइल रखी हुई है इधर,
इनका ही फाइल तो यहाँ रखी रहती है जो काम की जरूरी। अब इनको समेट देते हैं, सब्जी वगैरह लेके आए। क्या बनाऊं? कुछ भी मत कहना, कुछ भी मत कहना, कुछ बना लो, कुछ तो हमको नहीं तक बताओ। कच्चे कढ़ाई पनीर भाई, यहाँ कोई रेस्टोरेंट खुला है कढ़ाई पनीर राधा मखनी है? देखो 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 इसका मुँह बना लो फिर कुछ भी, फिर बताओ खाता जल्दी बताता। अच्छा तो फिर क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा मैं कुछ। आप बना पनीर बना, तो पनीर बना दो है ना। अच्छा ठीक है पनीर बना लेते हैं फिर। कौन सा पनीर बोल गए हैं? कौन सा वाला पनीर? जो भी जो बनेगा नाम उसके बाद दे देना चल बना लेती हूँ, उसके बाद आप देखेगा क्या नाम है इसका, फिर वो नाम रख लेना। सर मैंगो भी लाए चाहिए, मैंगो है इसमें। चलिए फिर किचन में बना ले, हम लेट भी हो गए हैं सारे में, साथ हो गए, सब्जी वब्जी खत्म हो गई थी, कोई भी नहीं थी। हाँ इसको निकाल लो, इसको खोल दो ना। अरे बहुत टाइट है, चल काट ले इसको ही काट। हाँ जी तो बनी गई सब्जी आगे रहा है, ये सही है। इस सब्जी कौन सी बनाऊं, कौन सी बनाऊं, कौन सी बनाऊं, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, बनी गई। अब दोस्तों ये इंटरनेशनल समस्या है, अब इसका सॉल्यूशन मेरे पास तो है नहीं, अब किसी के भी पास हो तो कृपया करके बताएं और मेरी तरफ से उसको पार्टी, जो भी अच्छा सुझाव देगा उसे मेरी तरफ से पार्टी। दोस्तों जल्दी जल्दी बताओ, पार्टी मिलेगी आज तो। दोस्तों जिसने भी इस समस्या का हल, समस्या तो समझ ही गए कि क्या बनाए खाने में सब्जी, तो उस समस्या का समाधान अगर किसी ने दे दिया और जो लॉजिकली हुआ सही तो उसको मेरी तरफ से पार्टी, पार्टी पार्टी मिलेगी, पार्टी। हाँ तो दोस्तों बताइएगा अपने सुझाव और देखते हैं किसके पास इसका सुझाव है, उपाय है, इसका तो है ही, क्योंकि ये इंटरनेशनल समस्या है। तो वैसे अभी फिलहाल तो बन गई है सब्जी, लेकिन फिर ये समस्या कल उत्पन्न होगी तब फिर देखा जाएगा कि भैया फिर अब क्या बने। कल हरियाली तीज है, मेहंदी बोला नहीं किसी को, अरे तो अपना लगा देगा, लगा है थोड़ी तबीयत सही नहीं थी आज तो मन नहीं करा, और फिर अब खाने में लग गए, कम लगवाए, मम्मी लेके आई है, मम्मी की तो गर्मी यार इतनी खतरनाक वाली गर्मी है, उसकी वजह से थोड़ी तबीयत खराब सी हो गई, अब तो सही है, थोड़ी थोड़ी आती गर्मी है ना इतनी। आज ना दिन में सोच रही थी, मतलब सच्ची में सोच रही थी, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि वीडियो के चक्कर में बोल रही हूँ, क्या यही तो बात है, यही तो फिर ये बोलती है कि ना तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मन की बात पढ़ लो, मन की बात का काम कर दो। मैंने दोपहर को सोच लिया यार मैंने पनीर की सब्जी नहीं बनाई। मैंने जब मैं मंदिर गया था, मंदिर से वापसी आ रहा था तो सब्जी देख रहा था, उनका फोन आया सब्जी ले आना, तो मैं देख रहा था क्या सब्जी लोग, वही सब्जी सारी दिखती है, तो फिर मैंने कहा पनीर ले लेता हूँ। तो सही है ना, कुछ चेंज हो गया, मतलब पनीर पनीर परसों भी खाया था, तरसों भी खाया था, चार पांच दिन से लगातार खा रहे, लेकिन जो घर वाला है ना पनीर उसकी बात अलग है, घर के खाने का स्वाद ही अलग है, नुकसान भी नहीं करता है और स्वाद भी पूरा आता है, पेट भर के भी खा लेते हैं, बाहर जाओ लगेगा ऐसा हम कितना खा लेंगे, खाया कुछ नहीं आता, घर आके फिर भूख लगती है। दोस्तों बता, ये भी एक समस्या है दोस्तों, बताना दावत या होटल से खाना खाने के बाद किस किस को भूख लगती है, ये भी बताना, मुझे भी लगती है, वहां से हमेशा भूखे आते हैं। हाँ तो दोस्तों बताना जो सादा किस किस के साथ समस्या आने वाली, फिर उसके साथ हम डिनर करेंगे, ये भी बात है, जिसने भी समस्या का हल मतलब बताया रीजनेबल जो भी लगेगा। देख लेना, बहुत काफी सारे फ्रेंड आएंगे। अरे आने दो ना,
ये तो मोहब्बत है अपनी, चाहे भले ही एक खीर पार्टी कर दे, आइसक्रीम पार्टी कर दे। दोस्तों अच्छी अच्छी बताना सर, अच्छे अच्छा लिख के बताना, कम से कम तो पार्टी तो मिल जाएगी, साथ में मुझे मिल जाएगी। तो और अपडेट देते हैं फिर दोस्तों।